तो हेलो गाइस, आपने जो स्क्रीन पर वीडियो देखा ऐसा आप भी बना सकते हैं जिसमें मैं दीवार के पीछे से चल रहा हूँ। इसे मैंने कैसे बनाया इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पर नीचे रख कर लो एंगल पर आपको वीडियो शूट कर लेना है, जैसे कि मैंने शूट किया हूँ। ओके, उसके बाद गाइस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, तब बताता हूँ कि कैसे आगे का प्रोसेस है। तो पूरा वीडियो देखना, और जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो नए लोग आए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो लेना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद मैं आ जाऊँगा मीडिया ब्राउज़र पर। फिर मेरे को अपना वो वीडियो चूज करना है जो मैंने शूट किया है, तो चलिए मैं उसे चूज कर लेता हूँ। ये वाला लास्ट वाला है। ओके, तो मैं इसे ले लिया हूँ। अभी मैं आ गया हूँ अपने टाइमलाइन पर। अभी यहाँ पे मेरे को अपना कट लगाना होगा, जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट रिकॉर्ड किया है उसे कट लगा लेता हूँ। तो मैं इधर एक कट लगा लिया, ये कट। ओके, उसके बाद मेरे को इसे दो भागों में बांटना होगा, जो आगे से मैं जहाँ से फ्रेम से बाहर निकला हूँ उतना मेरे को कट लगा लेना है। तो ये मैं कट लगा लिया। और गाइज मैंने इसे एक ही लेंथ में पूरा दो वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैं उसे दोनों को कट लगा लेता हूँ। एक तो मैंने कट लगा चुका। ओके, तो ये है, देखो ये थोड़ा सा और आगे। हाँ, अभी यहाँ पे कट लगा लेता हूँ। तो मैंने एक कट लगा लिया। अभी इसको दो भागों में बदलना है, तो मेरे को इधर भी कट लगाना होगा, जहाँ से मैं फ्रेम के अंदर आ रहा हूँ फिर फ्रेम के बाहर चला जा रहा हूँ। तो ये मैंने कट लगा लिया। ओके, अभी गाइज आप को मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा है गाइज। जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो, नए जो है वो भी सब्सक्राइब कर दो। ओके, आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो गाइज अभी आपको एक फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा। आपको ऐसा फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा जिसमें बैकग्राउंड में आप नहीं रहो। ओके, तो ऐसा आपको कैप्चर करने लगा है, तो मैं ये कैप्चर करके दिखा दूँ। लेकिन ऐसा आपको कैप्चर नहीं करना है, मैं इसमें थोड़ा सा आ रहा हूँ। ओके, तो अभी आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक इरेजर वाले ऐप में जाइएगा। ओके, तो मैंने ये कुछ ऐसा इरेज किया है, आप देख सकते हैं। मैंने पहले से इरेज किया था आपको टाइम बचाने के लिए, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं ऐसा आपको इरेज कर लेना है। ओके, तो मैं अभी आ गया हूँ टाइमलाइन पे। फिर आपको वो वाला फ़ोटो लेना है जो मैं आपने कैप्चर इरेज किया था। ओके, तो मैं अभी ले लेता हूँ। ये मैंने ये इरेज किया है, मैंने इसे स्केच बुक में इरेज किया था। आप भी बहुत अच्छा होता है स्केच बुक में आप इरेज करने में, बहुत आप डिटेल से इरेज कर सकते हैं। तो मैं इसे फुल स्क्रीन करना होगा आपको, स्प्लिट स्क्रीन के टूल में जाके, और इसको आपको पूरा लेंथ बराबर कर देना है वीडियो के। अभी वीडियो प्ले करता हूँ गाइस। अभी देखो आप कैसा वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है ना। तो ऐसा आप करके बना सकते हैं वीडियो, जिसमें आप अपने दोस्तों को दिखाकर कूल बन सकते हैं। ये वीडियो बन चुका है गाइस, इसको अभी आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ।